सो गाइस फाइनली आज अब बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A33 के बारे में। करेंगे बात आज इसी स्मार्टफोन की कुछ लीक्स के बारे में, देखेंगे कि कैसा आपके स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और ला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो देखते हैं इस स्मार्टफोन की कुछ सबसे पहले डिजाइन को। तो इसका डिजाइन आपको सिमिलरली ऐसा सैमसंग गैलेक्सी A32 के जैसा देखने को मिल सकता है। फ्रंट साइड में हमें यू टाइप वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल सकती है, बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की कुछ डिस्प्ले की, तो वहां पर हमें 6.5 इंचेस की TFT पैनल हमें इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हमें 19 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग वाला पैनल देखने को मिल सकता है। ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, तो इसमें हमें TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर बात इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, आपको शायद देखने को मिल सकता है MediaTek का 720G, जो कि आपको 5G देखने को मिल जाता है। आगे बढ़े इस स्मार्टफोन के बैक कैमरा में, तो वहां पर हमें बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिस 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का यहां माइक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है। और फ्रंट साइड में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। आखिर में बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की, तो वहां पर हमें देखने को मिल जाती है 5000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो ये थे कुछ लीक स्पेसिफिकेशन जो कि हमने आपको सैमसंग गैलेक्सी A33 की बताई है। तो ये लीक जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसी लीक्स आपको इस स्मार्टफोन की देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। सबसे पहले बात करें तो जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि यह स्मार्टफोन आपको बजट कैटेगरी में देखने को मिल जाता है, तो इसका प्राइस आपको अराउंड 25K के अंडर ही आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो वो आपको 2022 में सैमसंग गैलेक्सी S22 के बाद ही आपको स्मार्टफोन की लॉन्च डेट देखने को मिल सकती है। तो ये थे कुछ लीक स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग और लॉन्च डेट जो कि हमने आपको सैमसंग गैलेक्सी A33 की बताई है। तो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर आप किसी और स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक आप इस स्मार्टफोन को परचेस ना ही करें, क्योंकि इसके अलावा भी आपको और बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है जो कि आपको इतनी प्राइस रेंज में इससे बढ़िया स्मार्टफोन देखने मिल जाते हैं। बाकी ये भी स्मार्टफोन काफी अच्छा है। बाकी अगर इसकी कोई और कंफर्म लीक्स आती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जोर से अपलोड करूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी मेरे पर्सनल ओवरव्यू से आप इस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको और बहुत सारी ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है इतने प्राइस रेंज में। बाकी डिपेंड करता है आपकी पर्सनल यूसेज के ऊपर कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप उसी की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और ला सकें। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।